ये टीचमेंट पे ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। लखनऊ के बेस्ट रिजल्ट्स लाने वाले गुप्ता सर अब आगरा, कानपुर, बनारस, बरेली सब शहरों के स्टूडेंट्स के चहेते हो गए हैं। चौबे सर को ऑनलाइन के झमेले समझ नहीं आ रहे थे, फिर टीचमेंट पे इन्होंने टेस्ट ग्रेडिंग, नोट्स, अटेंडेंस फीस सब ऑटोमेट कर दिया। अब ये सिर्फ पढ़ाते हैं, बाकी सब टीचमेंट कर लेता है। और ये मैं हूं, अभी अभी शुरू किया है, पर टीचमेंट के साथ बड़े सपने देखना भी आसान सा लगता है। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर वन टीचिंग ऐप। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल इस नए वीडियो में। दोस्तों एक टीयू और लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना निकल के आ रही है। आज 1 जून 2021 की बहुत बड़ी अपडेट है कि टीयू एंड लखनऊ यूनिवर्सिटी के रिजल्ट के रिगार्डिंग कि इन छात्रों का रिजल्ट और इन कोर्स का रिजल्ट आ चुका। चलिए मतलब कौन कौन से कोर्स का रिजल्ट आया है और कौन कौन से जो है कोर्स का भी रिजल्ट आना बाकी, यानी जो क्या है अपडेट आज की। और उसके अलावा दोस्तों कल भी AKTU का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था, तो आप कुछ लोगों को डाउट है तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल, सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बिल को प्रेस कर लें ताकि जैसे कोई अपडेट आती है अब तक पहुँच सके। चलिए हम बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों तो आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे स्क्रीन पे आपको AKTU और BTEC बी फार्मा 7 सेमेस्टर का परिणाम जारी। उसके अलावा यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्रभारती विश्वविद्यालय यानी कि AKTU ने सोमवार को BTEC बी फार्मा 7वें सेमेस्टर का जो है रिजल्ट परिणाम घोषित कर दिया है। परीक्षा फरवरी में आयोजित हुई थी। परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर राजीव कुमार सर ने बताया कि परीक्षा परिणाम विद्यार्थी विश्वविद्यालय की जो वेबसाइट है दोस्तों AKTU1U AKTU.ac.in पर अपना जाके देख सकते हैं। और उन्होंने बताया कि BTEC में लगभग 35,000 और बी फार्मा में लगभग 6,000 यानी कि करीब 40,000 स्टूडेंट का रिजल्ट घोषित हो चुका है। वहीं लखनऊ यूनिवर्सिटी यानी कि LU ने भी जिसमें हम ओकेशनल कोर्स कहते हैं, जिसमें MLT MIT वगैरह जो कोर्सेज हैं वो आते हैं, ठीक है। तो BOG 3rd सेमेस्टर और उसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी BOG 5th सेमेस्टर रिन्यूएबल एनर्जी और BCA के 5th सेमेस्टर के बैक पेपर का परिणाम घोषित कर दिया। यानी मैं एक बार रिपीट करता हूँ, LU के BOG जो 3rd सेमेस्टर है वो और रिन्यूएबल एनर्जी के अलावा BOG के जो 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं वो और उसके अलावा जो बैक पेपर वाले स्टूडेंट 5th सेमेस्टर उनका रिजल्ट LU ने लखनऊ यूनिवर्सिटी ने घोषित कर दिया है। परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर MAM सक्सेना ने बताया कि विद्यार्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर परिणाम अपना देख सकते हैं। तो दोस्तों LU और AKTU दोनों का रिजल्ट घोषित हो चुका है, तो जैसे कोई अपडेट आती है न्यू हम आप तक जरूर पहुँचाएंगे। और बाकी जो फर्स्ट ईयर और जो मैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं उनके रिजल्ट के बारे में हम आपको बताते हैं। लेकिन उसके पहले मैं बता दूं दोस्तों, जैसे कि काफ़ी सारे स्टूडेंट हमसे कमेंट कर रहे थे कि आपने सर जो वीडियो अपलोड किया 31 मई 2020 की नोटिस है, 31 मई 2020 की है, इसमें सर्कुलर है। तो बिल्कुल दोस्तों इसमें 31 मई 2020 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हो सकता है बाई मिस्टेक हो और आप लोगों को इस पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देना है क्योंकि बाई मिस्टेक हो सकता है कल की ये नोटिस है दोस्तों, और ये रियल है। और आप चाहें तो AKTU सर्कुलर पे देख सकते हैं 31 मई 2021 को नोटिस आया, तो गलती से हो सकता है 20 हो गया हो, लेकिन आप अगर फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनसे आप पूछ सकते हैं, उनका रिजल्ट बी फार्मा और BTEC वालों का आ चुका है, तो इसका कोई मैटर नहीं है, ठीक है। तो इसका विषय यही है कि विषय जो है जो BTEC और बी फार्मा के स्टूडेंट का रिजल्ट आ गया, लेकिन जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर का रिजल्ट आना बाकी है और बैक का रिजल्ट आना बाकी है। तो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आपको दोस्तों 10 से 15 दिन में फर्स्ट ईयर और 10 और 1 हफ्ते में जो है थर्ड ईयर का रिजल्ट आ जाएगा, तो आप लोग थोड़ा वेट कर लो। बाकी कोई न्यू अपडेट आएगी हम तक जरूर पहुंचाएंगे। आज के लिए बस इतना, थैंक यू सो मच।